जम्मू में बस स्टैंड पर हुए ग्रेनेड हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हमले में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ है। पुलिस के मुताबिक बस में ग्रेनेड हमला करने वाले यासिर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। यासिर भट्ट ने बताया कि उसने हिजबुल कमांडर के कहने पर बस में ग्रेनेड फेंका था। गुरुवार दोपहर को बस स्टैंड पर खड़ी बस पर ग्रेनेड फेंका गया था। इस हमले में एक की मौत हो गई थी जबकि 32 लोग घायल हो गए थे, जिसमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों का जम्मू के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हमले के बाद आरोपी भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सूबे के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 20-20 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। गवर्नर ने हमले की कड़ी निंदा की है। 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी है। पूरे राज्य में चाक चौबंद सुरक्षा के दावे किए जा रहे हैं। बावजूद इसके ग्रेनेड से हमला होना सुरक्षा एजेंसियों पर बड़े सवाल खड़े करता है। टीम न्यूज़ नुक्कड़।